हाँ तो कैसे हो बेंटन के सुपर फैंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंगस और अल्टीमेट ह्यूमंगस और वर्सेस वेबिक और अल्टीमेट वेबिक। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस जाके इस वीडियो को फटक से लाइक कर दीजिएगा, और गाइस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस आपको इस चैनल बेंटन के औसम औसम वीडियोज़ मिलेगी बेंटन के रिलेटेड टॉपिक में। तो गाइस फटक जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोनों एलियंस की पावर्स और एबिलिटीज और वीकनेसेस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंगस और के डिटेल्स के बारे में। हाँ तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी स्पीसीज और उसके होम वर्ल्ड के बारे में। हाँ तो गाइस इसकी स्पीसीज है वेक्सासोरियन और उसका होम वर्ल्ड है टेराडाइनो, और गाइस इसकी बॉडी पूरे ह्यूमनॉइड डायनासोर जैसी है। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंगस और की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। हाँ तो गाइस पावर्स और एबिलिटीज़ की बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे हमने ह्यूमंगसोर को कहाँ देखा था। तो गाइस सबसे पहले हमने ह्यूमंगसोर को देखा था बेंटन एलियन फोर्स वाले सीरीज से। तो गाइस इसमें से ही सबसे ज़्यादा फेवरेट एलियन सबका रहा है ह्यूमंगसोर। और गाइस ये अपनी हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। गाइस अपनी हाइट 20 फीट से 60 फीट तक इंक्रीज़ कर सकता है। इसकी मैक्सिमम हाइट 20 फीट होती है, जिसे ये इंक्रीज़ करके 60 फीट तक कर सकता है। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पावर्स और इसकी एबिलिटीज़ के बारे में। तो गाइस इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ है और इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, और ये गाइस अपने दोनों हाथ का यूज़ करके स्लैप करके एक शॉक वेव भी क्रिएट कर सकता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये गाइस अपने टेल से भी शॉक वेव क्रिएट कर सकता है जमीन में पटक के। तो गाइस ये तो हो गए ह्यूमंगसोर की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इसकी वीकनेसेस के बारे में। तो गाइस ह्यूमंगसोर की सबसे बड़ी वीकनेस है कि अपने से छोटे जगह में नहीं जा पाता इसके बड़े हाइट की वजह से। गाइस और गाइस से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है अपने से छोटे अपोनेंट से फाइट करने में। तो गाइस ये तो हो गई ह्यूमंगसोर के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अल्टीमेट ह्यूमंगसोर के बारे में। हाँ तो गाइस इसकी स्पीसीज का नाम है इवॉल्व वेक्सासोरियन, और इसका भी होम वर्ल्ड सेम है टेराडाइनो, और गाइस इसकी भी बॉडी ह्यूमनॉइड डायनासोर जैसी है। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने अल्टीमेट ह्यूमंगसोर को कहाँ देखा था। तो गाइस हमने सबसे पहले अल्टीमेट ह्यूमंगसोर को देखा था बेंटन एलियन फोर्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो गाइस इसके पास भी इनहेंस स्ट्रेंथ है, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, और ये इनहेंस जंपिंग भी कर सकते हैं जो ये काफ़ी ज़्यादा हाई जंप मार सकता है, और ये गाइस स्पेस में सर्वाइव भी कर सकता है लिमिटेड टाइम तक। और गाइस इसकी जो बॉडी है पूरी स्पाइक सेल जैसी है, जिससे इसे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट होता है जो उसका अपोनेंट को अटैक करता है तो। और इसके गाइस टेल में काफ़ी ज़्यादा बॉल जैसा स्पाइक बॉल जैसा कुछ लगा है, जिससे वो अपने अपोनेंट को इजीली मार के वो पैरालाइज भी कर सकता है, और ये गाइस अपने हाथ से मिसाइल भी जनरेट कर सकता है। हाँ तो गाइस ये तो हो गई इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी वीकनेसेस के बारे में। तो गाइस इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि अपनी हाइट इंक्रीज नहीं कर पाता। तो गाइस जैसे हमने देखा था ह्यूमंगसोर अपनी हाइट इंक्रीज करके 20 फीट से 60 फीट तक कर लेता था, पर अल्टीमेट ह्यूमंगसोर अपनी हाइट इंक्रीज नहीं कर पाता, उसकी हाइट 20 फीट ही रहती है। और तो गाइस इसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। तो गाइस हमने डिस्कस कर लिया ह्यूमंगसोर और अल्टीमेट ह्यूमंगसोर की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे वेबिक और अल्टीमेट वेबिक की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेबिक की डिटेल्स के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी स्पीसीज और उसके होम वर्ल्ड के बारे में। तो गाइस इसकी स्पीसीज है टोक्यो स्टार, और इसका होम वर्ल्ड है कॉस्मिक स्टोन, और इसकी बॉडी पूरी जाइंट ह्यूमनॉइड जैसी है। और गाइस वेबिक की हाइट करीब 1000 फीट तक होती है। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे वेबिक की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। हाँ तो गाइस इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ है, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, और ये अपने हाथ से कॉस्मिक रेज भी शूट कर सकता है, और एक कॉस्मिक स्टॉर्म मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, और स्पेस में सर्वाइव भी कर सकता है, और उसके बाद इनहेंस स्पीड है। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे इसकी वीकनेस के बारे में। तो गाइस इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है को इसके हेड में जो हॉर्न है उसमें अगर अटैक कर दे तो पैरालाइज भी हो सकता है। तो गाइस ये सबसे बड़ी इसकी वीकनेस है। और गाइस इसे अल्टीमेट ह्यूमंगसोर ने उठा के फेंक दिया था। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेट वेबिक के बारे में। हाँ तो गाइस इसकी स्पीसीज रिवॉल्व टोक्यो स्टार, और इसका होम वर्ल्ड है कॉस्मिक स्टॉर्म, और ये गाइस नॉर्मल वेबिक से करीब 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। तो गाइस इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ है, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, और इसके पास कॉस्मिक रेज है, और इसके पास कॉस्मिक डिस अटैक भी कर सकता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो गाइस हमने देखा था कि वो कॉस्मिक डिस अटैक से डैगन की टेंटिकल्स भी काट दिए थे, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और एक गाइस फ्लाई भी कर सकता है, और एक गाइस जो कॉस्मिक रेज जो शूट करता है वो वेबिक के कॉस्मिक रेज से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो करीब 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं वेबिक के कॉस्मिक रेज से। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी वीकनेस के बारे में। हाँ तो गाइस इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है एसिड रेन। तो गाइस
हाँ तो गाइस ये ऐसी ट्रेन में सरवाइव नहीं कर पाता है, और ये इसमें काफी ज्यादा वो उसको हार्म होती है, वो कमजोर हो जाता है उसकी वजह से काफी ज्यादा। और गाइस अगर कोई इसके भी अगर हॉर्न पे अटैक कर दे तो ये भी पैरालाइज हो सकता है, तो गाइस ये भी इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और गाइस इसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। हाँ तो गाइस हमने डिस्कस कर लिए दोनों एलियंस की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो गाइस अब हम फाइनल डिसीजन में आते हैं। हाँ तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंगस और वेविक के बीच में। हाँ तो गाइस ह्यूमंगस और की जो हाइट है 20 फीट, जिसको इंक्रीज करके 60 फीट तक कर देता है, और गाइस वेविक की हाइट है 1000 फीट। तो गाइस अगर इन दोनों में अगर फाइट होता है तो मेरे ओपिनियन से ह्यूमंगस और जीत सकता है। तो गाइस अगर ह्यूमंगस और अगर वेविक के अगर हॉर्न पे अटैक कर दें तो वेविक पैरालाइज हो सकता है, नहीं तो अगर वेविक अगर कॉस्मिक रेज अगर अटैक कर दे तो ह्यूमंगस और भी हार सकता है। तो गाइस इन दोनों में वेविक भी जीत सकता है और ह्यूमंगस और भी जीत सकता है। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में कौन जीतेगा। तो गाइस अब हम बात करेंगे अल्टीमेट वेबिक और अल्टीमेट ह्यूमंगस और के बीच में कौन जीतेगा। तो आपको बता दूं गाइस कि अल्टीमेट वेबिक वेबिक का दुगना बड़ा है, अल्टीमेट ह्यूमंगस और की हाइट है जो 20 फीट है, जिसको इंक्रीज नहीं करता। तो गाइस भले इसने नॉर्मल वेबिक को आराम से उठा के फेंक दिया था, पर ये अल्टीमेट वेबिक को नहीं हरा पाएगा। तो गाइस मेरे ओपिनियन से अगर इन दोनों में फाइट अगर कभी हुई तो अल्टीमेट वेबिक आराम से जीत जाएगा। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो गाइस जाने से पहले प्लीज़ जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपने गाइस यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बेसिकली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइस अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको ये चैनल भी अच्छा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल बैंटन के वीडियोज़ मिलेंगे। तो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।